हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट, तो चलिए फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग सब्जेक्ट से फिर से हम एक नया टॉपिक जो है वो है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम डोज कैलकुलेशन को सीखते हैं। क्योंकि अब आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एडल्ट को कितना डोज देना चाहिए, चाइल्ड को कितना डोज देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पोसोलॉजी सब्जेक्ट से। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पूछा गया है द डोज फॉर चिल्ड्रन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट बाय। अब देखिए कई प्रकार से चिल्ड्रंस के जो बॉडी वेट के थ्रू, एज के थ्रू इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग उनका वेट है उसको जानते हैं, या फिर बॉडी वेट ले सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ले सकते हैं, और या फिर क्या करेंगे हम लोग उसका एज के रिकॉर्डिंग उनको हम क्या करते हैं, डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो डोज कैलकुलेट करने के तीन पैरामीटर हैं, ये जान लीजिए। फर्स्ट आपका हो गया एज को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या लेंगे, सेकेंड आप पैरामीटर क्या दिया गया है समझ लीजिए, बॉडी वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डोज कैलकुलेट करने के लिए। और थर्ड हम लोग ले सकते हैं बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये तीनों चीज़ों को याद रखिएगा, ये तीन पैरामीटर हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डोज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिससे हम लोग बॉडी वेट को के थ्रू डोज का कैलकुलेशन करते हैं चिल्ड्रंस में। ऑप्शंस दिया गया है यंग्स रूल, डिलिंग्स रूल, यंग्स रूल एंड केट्जल रूल, डिलिंग्स रूल और केट्जल रूल और क्लार्क फार्मूला दिया हुआ है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो यंग्स हैं, डिलिंग्स हैं, केट्जल है, क्लार्क है, ये सारे क्या हैं, कैलकुलेशन करने वाले फार्मूला का नाम है। तो अब चलिए हम लोग कुछ कुछ और फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको मैं इसका आंसर इजी से पता लग जाएगा। डोज कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से फार्मूला लगते हैं, तो फर्स्ट आपने देख लिया यंग्स फार्मूला, ठीक है, एक हमको याद रहना चाहिए यंग्स फार्मूला। तो पहले मैं आपको एज के लिए बतला देती हूँ कौन कौन सा फार्मूला है जो कि एज से रिलेटेड होता है, यंग्स हो गया, फिर हमने क्या देखा, देखिए डिलिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक और आता है जिसको हम कॉलिंग्स फार्मूला कहती हैं। तो ये तीनों को याद रखिएगा जो कि एज से रिलेटेड होता है, एज के थ्रू हम लोग डोज कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाना है, जहाँ पर क्या याद रखेंगे आप, जब मैं कितना हो गया 12 ईयर का हो गया समझिए, तब क्या हो गया, यंग हो गया। थोड़ा सा ट्रिक को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर से कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से फार्मूला में क्या चीज़ आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जब मैं 12 ईयर का था तब मैं यंग हो गया, फिर मैं 20 ईयर का जब हुआ तब मैं डीलिंग करने लग गया, मींस क्या हो गया, बहुत जल्दी वो ग्रोथ करने लग गया है, डीलिंग मींस वो जॉब करने लग गया, डील करने लग गया लोगों से, ठीक है। तो अब 20 ईयर में वो क्या करने लग गया, डीलिंग करने लग गया। अब डीलिंग करके उसने क्या खरीदी, काउ खरीदी, ठीक है, काउ कब खरीदी, जब वो 24 ईयर का हो गया। अब ये तीनों फार्मूला में बहुत हमेशा ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया है। देखिए क्या होता है, चाइल्ड डोज ये आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा एज, ठीक है, एज वहाँ पर दिया रहेगा, उसके बाद जो नीचे में लिखा रहता है वही मेन होता है, यंग फार्मूला रहेगा तो 12 लिखा रहेगा और इनटू यहाँ पर एडल्ट डोज, ठीक है। अब यंग फार्मूला रहेगा तो 12 रहेगा, अब बताइए डीलिंग फार्मूला रहेगा तो यही 12 हटकर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहीं पर यदि कॉलिंग्स फार्मूला रहा तो ये क्या हो जाएगा, 20 के जगह 24 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से अब आपको याद रहेगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में कन्फ्यूजन हमेशा ही होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी कॉलिंग्स फार्मूला पूछ लिया जाए तो यहाँ पर एज के साथ +1 लगा देना, यही एक डिफरेंस रहने वाला है। उसके बाद सारे फार्मूला में आपको 12, 20, 24 ये जो नंबर्स हैं उनको याद रखने हैं, ओके। अब कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ये तो था एज के लिए, ठीक है, एज के रिगार्डिंग हम लोग डोज को कैलकुलेट करेंगे ये तीनों फार्मूला से। फिर आते हैं बॉडी वेट, तो बॉडी वेट के लिए हमें जो एकमात्र फार्मूला होता है वो है क्लार्क फार्मूला, जहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है उसे भी देख लीजिए। अब बॉडी वेट तो दो चीज़ें से हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक तो पाउंड के अकॉर्डिंग और एक होगा केजी के अकॉर्डिंग। तो जब हम लोग बॉडी वेट को चाइल्ड डोज दिया गया है, देखिए चाइल्ड डोज दिया गया है, और यदि हम लोग बेबी का जो वेट है उसको पाउंड में लेते हैं, ठीक है, पाउंड में दिया जाएगा, तब यहाँ पर 150 आपको इंटू करके एडल्ट डोज को, इस प्रकार हो जाएगा फार्मूला।
और यदि पाउंड की जगह में केजी में दिया गया है, यदि बॉडी वेट ठीक है केजी में दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा एडल्ट डोज। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए, क्लेर्क फॉर्मूला जो कि बॉडी वेट के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको सारे चीज़ें पता चल गई होंगी कि कौन कौन सा फॉर्मूला एज के लिए होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है बॉडी वेट के लिए, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बतला दिया क्लेर्क फॉर्मूला। अब बचा गया केटजेल रूल ठीक है, जो कि होता है बॉडी सरफेस के लिए ठीक है। जब हम लोग सरफेस के अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डोज को, तब उसको हम केटजेल रूल कहते हैं। जहाँ पर क्या होगा, जो बॉडी वेट है बेबी का क्या है, बॉडी वेट बेबी का जो कि क्या होना चाहिए मीटर स्क्वायर में ठीक है, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। और यहाँ पर जो एडल्ट है, एडल्ट का बॉडी वेट सरफेस समझ लिया 1.73 लिया जाता है, स्टैंडर्ड ये है ओके। और यहाँ पर जो एडल्ट डोज है वो होगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाता है, ये होगा केटजेल रूल जो कि क्या हो जाता है बॉडी सरफेस एरिया के लिए। और आपको ध्यान रखना है बॉडी वेट बोला तो वो क्लेर्क फॉर्मूला होता है ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है क्लेर्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है महाराष्ट्र पीएससी फार्मेसी 2023 में, अभी का ही अपडेटेड क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे फॉर्मूला किस किस से रिलेटेड होते हैं, कौन सा फॉर्मूला एज में रिक्वायर होता है, कौन सा बॉडी वेट और कौन सा सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आपको जितने भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को सॉल्व करना है, तो आपको जरूर से ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक को प्रीफर करना चाहिए। यहाँ पर आपको पूरे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि पूछे गए हैं फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स, डीएसएसबी, रेलवे, ईएसआईसी, या फिर आप कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए इस बुक को परचेज करके अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप वहां कोर्स में जाकर, यदि आप ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप लिखते हैं, तो वहां पर आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो आज ही जरूर से इसे परचेज कर लें और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। साथ ही थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, जहां पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके भी आपको वहां सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और सारे कंटेंट फार्मा और नॉन फार्मा कंटेंट आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो कि 24 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। तो उसको भी आप जरूर से प्रीफर करें, जिससे कि आप अपनी कंप्लीटली प्रिपरेशन कर सके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच रूल इज यूटिलाइज्ड फॉर एस्टिमेटिंग पेडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन स्पेसिफिक फ्रॉम 1 to 2 ईयर। अब 1 to 2 ईयर के लिए हमें कौन सा रूल है मेनली अप्लाई करना चाहिए। तो जो आप अभी तीन रूल देखिए एज के लिए, कौन कौन सा रूल देखा आपने, यंग्स फार्मूला देखा, डीलिंग्स फार्मूला देखा और कॉलिंग्स फार्मूला आपने देखा था। तो जहाँ पर आपने क्या देखा, सबसे कम एज के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, यंग्स फार्मूला को ठीक है। तो एज जब कभी भी आए ईयर में और वो 12 से कम रहे, तो आपको जरूर से यंग फार्मूला को प्रीफर यहाँ पे करना होगा ओके। ये सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला कह सकते हैं, जब कभी 12 ईयर से कम हो चाइल्ड का और कैलकुलेशन पूछा गया, तो यंग्स फार्मूला को हमें प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग रूल्स। अब देखिए यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पेडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, ये भी देखिए कितना ईजी क्वेश्चन, अभी हमने पूरी जो चार्ट देखी उसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। और ये पूछा गया एमपी फार्मेसी 2020 में, तो इसका भी आंसर अब आपको कमेंट करके बतलाना होगा। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा, और इसका आंसर आप कमेंट करके बतलाएंगे ओके। चलिए मैं सबका कमेंट चेक करूंगी, तो आपको सभी को जितने भी वीडियो को वॉच करेंगे उनका होना चाहिए यहाँ पर कमेंट। नेक्स्ट आएंगे डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया इज डिपिक्टेड बाय डैश फार्मूला। तो मैंने क्या बताया, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको कौन सा फार्मूला कहते हैं। फार्मूला को मैं आपको लिखकर फिर से बता दूं, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू क्या रहेगा, बॉडी सरफेस एरिया बेबी का क्या रहेगा मीटर स्क्वायर में, देन उसके बाद एडल्ट का स्टैंडर्ड कितना लेते हैं 1.73
0.73 इनटू एडल्ट डोज। ये कौन सा फॉर्मूला था भाई? ये फॉर्मूला था जिसको हम कैटजेट फॉर्मूला कह रहे थे, ठीक है। और ये जो कैटजेट फॉर्मूला है उनको किसने इंट्रोड्यूस किया ये पूछा गया है, तो उन्होंने क्रॉफर्ड टेरी रॉकर्स, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपको थोड़ा सा न्यू लगा होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली साइंटिस्ट का नेम भी पूछ लिया गया है। तो ये भी सारी चीज़ें इसीलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे जो कि दिया गया है पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो कि देखिए कई बार ये क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है अभी ओडिशा फार्मेसी 2023 में ही, साथ ही साथ इसको राजस्थान फार्मेसी 2022 में कितने बार इन क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने क्या बताया, पोसोलॉजी हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है डोज का, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बतला दी, तो ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, जो ड्रग का डोज है उसको कैलकुलेट करते हैं पोसोलॉजी सब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डोज ऑफ ड्रग। देन चलेंगे कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज अ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ 0.57 मीटर स्क्वायर एंड द एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 100 mg। अब आता है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से आते हैं। एक बार फॉर्मूला पता हो तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, बहुत ही ईजी सा रहता है। चलिए मैं आपको करके दिखला दूँ। अभी हमने क्या देखा, बॉडी सर्फेस एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर में रहेगा बॉडी वेट बेबी का, एंड यहां पर एडल्ट डोज कितना लेते हैं हम लोग, 1.73 इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। ये क्या था आपके एडल्ट का बॉडी सरफेस। अब इसी फॉर्मूला में हमें पुट करना है क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो बॉडी क्या है, बॉडी सरफेस एरिया है, बेबी का कितना है 0.57, ओके, और हम स्टैंडर्ड लेते हैं एडल्ट का 1.73 इनटू क्या दिया गया है, एडल्ट डोज 100 mg, ठीक है। एडल्ट डोज जनरली फॉर्मूला में दे ही दिया रहता है, जो आपका कैलकुलेशन वाला रहेगा उसमें एडल्ट डोज दिया रहता है। तो अब इसको हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाइड करेंगे। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, इनटू कर लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 0.57 दिया है, इनटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, है ना, 57 हो जाएगा इनटू, अब क्या करेंगे इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड में। तो इसको हम लोग इतना तो सिंप्लीफाइड कर लिए, अब इसके बाद यदि हम इसको हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो इसका लगभग यह आएगा 32.94, ठीक है। इस तरह से आता है ये, आप इजीली से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मैंने सिंप्लीफाइड आपको फॉर्मूला में पुट करके बतला दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 32.9 मीन्स लगभग ये 33 के हैं, है ना, 33 mg अप्रॉक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से छोटा छोटा कैलकुलेशन ही पूछा जाता है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, आप इजीली से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब आएंगे चलिए फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर एन इन्फेंट इन मंथ, ठीक है। जब मंथ में कैलकुलेट किया जाए, अभी तक हमने क्या देखा था, एज को एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखा था। तो एज क्या क्या देखा हमने, पहला देखा था जो कि 12 ईयर का हो, फिर 20 देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, कॉलिंग्स फार्मूला भी देखा था, जो कि जहाँ पर क्या किए थे हम लोग, एज ऑफ चाइल्ड प्लस 1/24 इनटू एडल्ट डोज, ये हमारा कॉलिंग्स फार्मूला था। पर यहाँ पे पूछा गया है मंथ, तो मंथ के लिए मैं आपको एक और फार्मूला बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है और ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रहेगा इसके बाद, और इससे क्वेश्चन और बनते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक फार्मूला होता है मंथ के लिए जो कि होता है फ्रिट्स फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला में देखिए क्या किया जाता है, फ्रिट्स फार्मूला में मंथ के अकॉर्डिंग करते हैं, कि अब जनरली बच्चे जो हुए हैं उसको मंथ के अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या है, वन ईयर का नहीं हुआ है तो हम मंथ में उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो इन्फेंट है, ठीक है, बेबी है समझ लीजिए, उनका मंथ यहाँ पर रहेगा, और आपका यहाँ पर इनटू करना है 150 से इनटू आपका एडल्ट डोज रहेगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे किसे, 150 से इनटू एडल्ट डोज, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली लिख देती हूँ। चाइल्ड डोज क्या रहना चाहिए, बेबी का क्या रहेगा, मंथ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 150 रहेगा डिवाइड करके, और यहाँ पर एडल्ट डोज, ये है फॉर्मूला किसके लिए, फ्रिट्स फार्मूला इसको हम कहते हैं, जो कि क्या बताता है, मंथ में, ओके, मंथ में ये बतलाता है
कैलकुलेशन के लिए। ओके, कैसे याद रहेंगे सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपको ट्रिक बतलाया ही हुआ है। उसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रिक लगा लेना है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जनरली क्या होगा, उनके मंथ में ही वो डिफरेंस होता है। उसके बाद सारे आप लोग एक ही एज के होते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक होगा 20 साल का और एक होगा 5 साल का, ऐसा नहीं होता। जनरली आप एक ही ईयर में हुए रहते हैं, बस आपके मंथ में ही डिफरेंस होता है। तो एफ और आपको फ्रेंड याद रखना है, और कैसे याद रखना है कि F और फ्रेंड और हमारे फ्रेंड्स में मंथ में ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि जो फ्रिट्स फॉर्मूला होता है वो यूज़ होता है किसका, जब हम लोग को मंथ में कैलकुलेशन करना होता है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे, दिया गया है द डोज ऑफ ड्रग इज 5 mg पर kg बॉडी वेट, हाउ मच ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड फॉर अ बॉय ऑफ 12 ईयर हु वेट्स 21 kg। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फार्मासिस्ट 2012 में। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले ही क्या दे दिया गया है, आपका स्टैंडर्ड जो डोज है उसको पहले ही दे दिया गया है। उसके बाद अब आपको सारी चीज़ों को उसमें पुट करना है। तो 12 ईयर का जो बॉय होगा उसके लिए क्या होना चाहिए चाइल्ड डोज, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है वेट कितना है उसका 21 kg। तो जब कभी भी वेट में क्वेश्चन आए, पाउंड में आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना तो आपको पता चल गया होगा अब कि यदि कभी भी आपको यदि वेट से आपको डोज निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लेर्क फॉर्मूला को यूज़ करना होगा, जो कि 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है पाउंड के लिए और एक होता है केजी के लिए। पाउंड के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बेबी का क्या होगा, यहाँ पर आपको पाउंड में लेना है वेट और आपको डिवाइड करना है 150 इंटू एडल्ट डोज। अब वहीं पर केजी में पूछ लिया जाए तो मैंने आपको क्या बताया, बेबी का जो वेट है वो हम क्या लेंगे, केजी में लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 70 कर रहे हैं आपको इंटू एडल्ट डोज। तो ये फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, ये होता है आपके क्लेर्क फार्मूला पाउंड और केजी के लिए। तो अब इसी में हमें पुट करना है, यहाँ पर केजी में पूछ लिया गया है, मीन्स ऑब्वियसली बात है हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी वेट इन केजी बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग पुट ऑन करते जाते हैं। दिया गया है 21 kg दिया गया है बेबी का वेट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में चाइल्ड डोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। उसके बाद क्या दिया गया है, 70 तो आपका रहेगा ही फॉर्मूला में है, इनटू एडल्ट डोज क्या दिया गया है यहाँ पर 5 mg। ठीक है, 5 mg दिया गया है एडल्ट डोज। तो अब इससे सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो सकता, क्या करेंगे सबसे सिंपल, इनको हम लोग इनटू कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, 5 इनटू जब हम लोग 21 करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 105 आएगा और ये 70 फॉर्मूला में दिया ही हुआ है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाइड करते हैं, चलिए इसको सिंप्लीफाइड किए हम लोग, तो अब हम लोग फर्स्ट में ही क्या कर लेते हैं, 70 आपका लिए, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये हो गया 5 और 10 में 7 गया तो क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम लोग फिर से पॉइंट लेकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड ऑन कर देंगे। तो हम लोग 70 इंटू यदि 5 करते हैं तब कितना आएगा, डायरेक्टली 350 ये आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5 ये आएगा आपका चाइल्ड डोज। ठीक है, 1.5 होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो क्या क्या दिया गया है, 0.5, 1 mg, 1.5, तो यही हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। ओके, इस प्रकार से सिंप्लीफाइड करके आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता, इसी प्रकार से सिंपल कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग एडल्ट डोज ऑफ 300 mg। फिर से कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया और ये पूछा गया है किसमें, मंथ में। तो मैंने आपको मंथ के लिए क्या बतलाया, अभी जस्ट ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में, जहाँ पर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बतलाया था, फ्रिट्स फॉर्मूला बतलाया था जो कि मंथ के लिए होता है। जहाँ पर मैंने आपको क्या बतलाया था, आपको मंथ लिखना है, बेबी का मंथ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, साथ ही क्या होता है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बेबी का मंथ एंड यहाँ पर 150 लेना होगा आपको, और साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडल्ट डोज। अब इसी फॉर्मूला में आपको फिर से क्या कर देना है, इसको पुट करना होगा। तो किस प्रकार से दिया गया, देखिए, व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ पहले ही दे दिया गया है, तो इस फॉर्मूला में इस प्रकार से हो जाएगा, और एडल्ट डोज कितना गया है, 300। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 0 0 कट हो गया, 15 का यदि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब 6 इंटू 2 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगा, 12 आएगा।
तो इससे सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन और कभी भी नहीं हो सकता, आपने इसको तो 6-7 में भी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा आंसर, क्या दिया है 6 mg, 8 mg, 10 और ये 12, तो 12 mg हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इतना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से सिंपल सिंपल कैलकुलेशन ही पूछे जाते हैं पोस्टोलॉजी सब्जेक्ट से, बस आपको फॉर्मूला याद रहना है। फॉर्मूला में आप जरूर से कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कौन से फॉर्मूला मंथ के लिए है, कौन सा एज के लिए है, कौन सा बॉडी वेट के लिए है, कौन सा सरफेस एरिया के लिए है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक के थ्रू सारी चीज़ें बतला दी हैं, जो अभी मैंने बताया कि जब यंग था तब 12 ईयर था, फिर डीलिंग करने लग गया तब वो 20 ईयर का हो गया, ये सारी ट्रिक से मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, ठीक है। फ्रेंड के थ्रू आपको मंथ याद रखना है तो वो फ्रिट्स फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को ट्रिक बनाकर याद रख लेंगे तो ईजी से सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, और कैलकुलेशन भी बहुत ही आसानी से दिए गए हैं, तो 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो आसानी से सारी चीज़ें बन जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फार्मेसिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसे सॉल्व करिए बुक को तुरंत ही परचेज करके, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।